नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा और आज की खास खबर कुछ इस प्रकार है। इधर गांव बंद आंदोलन में नाके शहर से हटाए गए गांव में लगाए गए। गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गंगानगर किसान समिति की बैठक हुई। दिल्ली में राष्ट्रीय किसान महासंघ की बैठक के बाद शहरों से नाके हटाने का निर्णय ले लिया गया था। आज गंगानगर किसान समिति की बैठक गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित की गई। इसमें समिति संयोजक रणजीत सिंह राजू, प्रवक्ता संतवीर सिंह मोनपुरा सहित काफी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि शहर से आज नाके हटाकर गांव में लगाए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई है और कमेटियां बनाकर अलग अलग गांवों में नाके लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रवक्ता संतवीर सिंह ने बताया कि ये हमारा आंदोलन 1 से 10 जून था गांव बंद, लेकिन व्यापारी बाहर से सामान मंगा के कालाबाजारी करते थे, इसलिए हरियाणा और पंजाब ने नाके लगा दिए थे ताकि व्यापारी बाहर का सामान लेकर कालाबाजारी ना कर सके। लेकिन पंजाब में कुछ हिंसक घटनाएं हुई, उसके कारण पंजाब ने छह तारीख तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दिल्ली में हमारी कोर कमेटी की आपात बैठक हुई, मैं वहाँ गया था, उसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा और राजस्थान अब शहरों से नाके हटा लेगा और पूर्णतः गांव बंद रखेंगे। अब हम शहर से नाके हटा के अपने अपने गाँव में चले जाएंगे और यही नाके अपने अपने गाँव में लगाएंगे और गाँव से टोटल सप्लाई काट देंगे। और अगर कोई शहरी दूध या सब्जी लेने जाएगा तो वो हमारे गांव जाए, हम उसका सम्मान भी करेंगे, उसको चाय लस्सी भी पिलाएंगे और वाजिब रेट पर दूध भी देंगे। आंदोलन में बदलाव किया गया है, अब गांव के बाहर हमारे कार्यकर्ता नाके लगाएंगे और गांव से दूध व सब्जी की सप्लाई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े गाँव के बाहर नाके लगाकर व्यवस्था बनाई जा रही है। शहरवासियों को यदि दूध व सब्जियों की आवश्यकता है तो वे अपने निकटतम गाँव में आकर लेकर जा सकते हैं। आज बुधवार साधुवाली नाके पर कोई भी किसान नहीं था। यहां रात्रि को भी नाका नहीं लगाया गया, केवल श्रीकरणपुर रोड और सूरतगढ़ रोड पर नाके लगे हुए थे। एडीएम सिटी वीरेंद्र वर्मा ने रात्रि को कई नाकों पर जाकर वास्तु स्थिति देखी। गंगानगर क्लब के पास सब्जी खरीदने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम देखने को मिली। हालांकि किसान काफी संख्या में यहां सब्जी लेकर आए हुए थे, लेकिन बिक्री पूरी तरह से प्रभावित रही। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर रेगुलेशन कमेटी की बैठक में आज बुधवार को एमके माइनर के किसानों ने हंगामा किया और पानी मांगा। उन्होंने कहा कि बारियां लगातार पिट रही हैं, इसी वजह से नरमे की बुआई भी नहीं हो पाई। अन्य कई नहरों के किसानों ने भी कहा कि नहर में पानी कम होने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले तो इलाके में पेयजल संकट छाया हुआ था। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुभाष सहगल ने बताया कि वर्तमान में 2200 क्यूसेक नहर में पानी की आवश्यकता है, तब जाकर पूरे जिले में पर्याप्त क्षेत्रफल में बुआई हो पाएगी। बैठक में गंग कैनाल के प्रोजेक्ट चेयरमैन शमीर सिंह व विभिन्न नहरों के अध्यक्ष तथा रेगुलेशन कमेटी सदस्य सुभाष मोयल, मंजीत सिंह सहित आदि उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब से पानी भरवाने के लिए बातचीत चल रही है, शीघ्र ही इसका समाधान किया जाएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।